वेलकम टू केटीआर व्लॉग्स, कार्तिक द रियल व्लॉगर में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा कि हम फिश एक्वेरियम को कैसे साफ करते हैं और इसके साफ करने में हमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान देना होता है। वैसे तो लोग फिश एक्वेरियम अपने घर में डेकोरेशन पर्पज़ के लिए और घर के वास्तु दोष को ठीक करने के लिए रखते हैं और ये घर को शोभा भी बढ़ाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगले स्टेप पे। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि हम अपना एक्वेरियम किस तरह साफ करते हैं। ये देखिए, पानी बहुत ज़्यादा गंदा हो गया है, एक महीना पूरा ग्रीन ग्रीन। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रिसिटी के जितने कनेक्शन हैं उसको ऑफ कर देंगे। अब आप देखिए, ये देखिए बिल्कुल गंदा सा पानी हो रखा है और मछलियाँ भी इसमें नज़र नहीं आ रही हैं। तो हम पानी चेंज करेंगे। ये देखिए फिल्टर जो है इसका, वो भी बहुत गंदा हो गया है। तो आगे का प्रोसीजर स्टार्ट कर सकते हैं। सफाई करने से पहले आपको मछलियों को खाना दे देना है, क्योंकि अगर आप पानी चेंज करके उनको खाना देंगे तो वो डर जाती हैं, तो वो खाना नहीं खाती हैं। तो पहले आप श्योर करें कि आपने खाना डाल रखा हो। मैं इसके अंदर का आधा पानी निकाल लूंगा। तो ये कितना गंदा पानी हो गया है। गाइस, ये मैंने दो मग पानी ले लिया है और इसके अंदर मैं फिलहाल मछलियों को डाल के रख दूंगा ताकि टैंक की सफाई करने के बाद इनको वापस उसमें डाला जाए। हम इस जाले में देखिए मछली को पकड़ने वाले हैं। ये आसानी से आती नहीं है पकड़ में, तो थोड़ा सा जद्दोजहद करनी पड़ती है। ये देखिए काफी मछलियों को इस पानी में निकाल लिया है। अब मैं पानी साफ करके इनको वापस अंदर हो जाता है। तो इसके अंदर जो है हरा हरा सारा डस्ट आ जाता है और अगर इसको दबाएंगे भी देखिए सारा हरा हरा निकल रहा है। इसको हमें निकालना जरूरी होता है और इसको सफाई करके अब हम इसका जो है पंप खोल रहे हैं। ये एक रॉड होती है जिसके अंदर से पानी फिल्टर होता है। ये ऊपर से अलग से लगा होता है, इसको आप ऐसे नीचे से घुमा करके ये निकल गया। ये सारा हरा हरा काई लग गया है, इसको हमें अच्छे से सफाई करनी है। ये हर एक डेढ़ महीने में आपको सफाई करनी पड़ती है। और ये देखिए मैंने इसका जो लाइट है वो भी निकल लिया, इसको भी हम धो देंगे। देखिए इस पर भी कितना काई जम गया है। ये जब भी मौसम चढ़ता उतरता है, जैसे कि अभी अभी सर्दियां गई हैं और सर्दियों में पानी हीटर चलता है तो काई जम जाती है, इसकी अच्छे से सफाई करेंगे हम। ये होता है इसका ऑक्सीजन पंप, और जो कि ये आप बुलबुले छोड़ता है, थोड़ा डेकोरेशन भी करता है और इसके अंदर ही जो यहाँ पे है सारी डस्ट और काई जम जाती है, इसको भी हमें सफाई करनी है। ये डायरेक्ट कनेक्टेड होता है इस एयर पंप से जो फ्रेश एयर अंदर भेजता है। ये सीबो अच्छी कंपनी का है, ये काफ़ी लंबा चल जाता है। लोकल मत लीजिएगा क्योंकि वो जल्दी ख़राब हो जाते हैं। इसका यूज़ मोस्टली गर्मियों में ही किया जाता है। ये फ्रेश एयर को अंदर डालता है, पानी का टेम्परेचर ठंडा रखता है जो कि मछलियाँ आसानी से ऑक्सीजन ले पाती हैं और उनको भी पानी में तैरने में बहुत अच्छा लगता है। ये फ्लावर पॉट पे देखिए, अगर आप देखेंगे तो ये पत्तियों के नीचे और ये सब अच्छे से धोना पड़ता है ताकि इसके अंदर भी डस्ट ना रह जाए। ये पानी को थोड़ा सुंदर रखता है, मछलियों को भी लगता है कि ये समुद्र या नदी में तैर रहे हैं। ये पत्थर हैं जो मैंने डाल रखे हैं एक्वेरियम के अंदर, ये थोड़ी अच्छी लुक देते हैं, प्लस इनको भी सफाई करना पड़ता है क्योंकि इसके नीचे और इसमें भी काई जम जाती है।
गाइस मैंने सॉफ्ट कपड़ा लिया है, ये पुरानी सॉक्स मेरे घर में थी बच्चों की, इससे जो है इस पे रैशेज नहीं पड़ेंगे, प्लस इसके कांच के ऊपर भी अगर आप करेंगे तो रैशेज नहीं पड़ेंगे। कोई कपड़ा लें, कोई स्पॉन्जी टाइप जो सॉफ्ट कपड़ा हो। और ये बाकी एक्सेसरीज भी हैं, देखिए पत्थर ले लिए हैं, ये पौधा है, ये ऑक्सीजन है, पंप है, इन सबको मैं अभी एक बार हल्के हाथ से साफ करूंगा और इसमें फिर इसको रख देंगे। इसको टंक को भी मैंने खाली कर लिया है, मैंने इसकी सफाई कर दी है अभी। वैसे तो मैं पानी पूरा चेंज कभी भी नहीं करता हूँ, बट क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था इसलिए मेरे को सारा पानी चेंज करना पड़ रहा है। अगर आपका पानी इतना गंदा ना हो तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप पूरा पानी कभी भी चेंज ना करें और आधा पानी छोड़ दें, आधा पानी नया मिलाएं। और अब मैं इसके अंदर इसकी सारी जो एक्सेसरीज मैंने निकाली थी वो मैं अभी इसके अंदर एडजस्ट करने जा रहा हूँ, जो कि मैं अभी लगा रहा हूँ। गाइस देखिए मैंने इसकी सारी एक्सेसरीज पत्थर वगैरह सब कुछ इसके अंदर धो के बिल्कुल अच्छे तरीके से लगा दिया है। अब मैं इसके अंदर आधा पानी भरूंगा पहले, और अब हम एक एक करके इन मछलियों को वापस पानी में डालेंगे। मैं जाले से भी डाल सकता हूँ और हाथ से भी पकड़ के डाल सकता हूँ, बाकी आप जैसा कंफर्टेबल लगे आपको वैसा कर सकते हैं। मछलियाँ थोड़ी डर जाती हैं इसलिए इनको थोड़ा सा हाथ में डाल के सही नहीं रहता, इसलिए एक एक करके। अब आप देख रहे हैं कि बिल्कुल साफ हो गया एक्वेरियम, और इसके अंदर थोड़ा ताकि मछलियां फैमिलियर हो जाएं अपनी जगह से, तो थोड़ी देर के लिए आप इसमें एयर पंप चला सकते हैं। एयर पंप चला दीजिए ताकि मछलियों को थोड़ा सा अच्छा महसूस हो, ऑक्सीजन की मात्रा पूरी मिल जाती है इससे। और लास्ट में हम इसके अंदर एंटी ईच जो कि ब्लू कलर की दवाई होती है, और एंटी क्लोरीन जो कि पानी में डालना होता है ताकि मछलियां हमारी अच्छे से सांस ले पाएं, तो ये दोनों चीज़ें थोड़ी थोड़ी एक एज पर पानी की क्वांटिटी और जितने आपकी मछलियां बड़ी हों उसके हिसाब से डालना होता है। ऐसे मेरी दो मछलियाँ बड़ी हैं और तीन मछलियाँ, पाँच मछलियाँ हैं मेरे पास, तो दो बड़ी हैं और तीन मीडियम साइज़ की हैं, तो मैं इसमें आधा आधा ढक्कन दवाई डालूंगा। ये मैंने पानी बिल्कुल चेंज कर दिया है, बिल्कुल नया पानी डाला है, इसलिए मैं ये दोनों डाल रहा हूँ। अगर मैंने आधा पानी पुराना रखा होता और आधा पानी नया रहता तो मैं खाली एंटी ईच डालता, एंटी क्लोरीन की मुझे इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो अगर आप पानी चेंज कर रहे हैं पूरा तो आप भी इस बात का ध्यान रखें कि एंटी ईच और एंटी क्लोरीन आप आधा आधा ढक्कन जरूर डालें। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।